Hey guys, I'm Prajul. Welcome and welcome back to my channel. So in this video, I'm going to share with you bridal makeup kit under 500 rupees. आज की ये video काफी interesting होने वाली है and bridal season start होने वाला है, sorry wedding season. So अगर आप bridal बनने वाली हो और अगर आपके भाई की एंड बहन की sister की married होने वाली है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी. वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना एंड मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ हैशटैग शादी सागर सीरीज. सोसी का एक वीडियो है, बहुत सारे वीडियोस आएंगे उस पर. सो अंडर 500 मैं आपके साथ शेयर करूँगी मेकअप प्रोडक्ट. इसमें सारे मेकअप प्रोडक्ट आएंगे एंड ये वीडियो दो पार्ट्स में बनेगी, सॉरी तीन पार्ट्स में, जिसमें कि सेकेंड पार्ट में मैं सारा स्किन केयर का डालूंगी कि आपको कौन कौन से स्किन केयर के प्रोडक्ट लेने चाहिए. मैंने इसमें इंक्लूड नहीं किए बिकॉज वीडियो बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो जाता. एंड थर्ड जो पार्ट आएगा वो लिपस्टिक्स पे आएगा कि आपको कौन कौन सी लिपस्टिक लेनी चाहिए, किस ब्रांड की एंड किस कलर की. सो अगेन मैंने वो इसमें ऐड नहीं किया क्योंकि वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाता. इसलिए आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर देना, चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब कर देना ऐसी ढेर सारी इंटरेस्टिंग वीडियोज़ को देखने के लिए. नाउ विदाउट फर्दर डू लेट्स गेट स्टार्टेड. सो फर्स्ट जो प्रोडक्ट है वो कि प्राइमर. सो मैं आपके लिए प्राइमर में सजेस्ट करूँगी एनवाइवी का प्राइमर. एक जस्ट ओके काइंड ऑफ प्राइमर है, आपके पोर्स को फिलर नहीं करता है बट आपकी स्किन को काफ़ी स्मूदन करता है, जिससे कि आपका जो भी फाउंडेशन होता है वो काफ़ी स्मूथ दिखता है एंड आपकी फेस पे कोई भी क्रीज नहीं होती. एंड सेकेंड ऑप्शन है वो कि अभी मेरे पास अवेलेबल नहीं है, वेट एंड वाइल्ड का प्राइमर ड्यूई फ्रेश, जो कि मैं आपके साथ अपनी शॉपिंग हॉल में ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ. काफ़ी अच्छा प्राइमर फॉर ब्राइडल, बहुत ही अमेजिंग है एंड बहुत ही ड्यूई फ्रेश देता है, बहुत ही शाइनिंग ऐड कर देता है आपकी फेस पे, जिसके आपका जो मेकअप होता है वो नाइट टाइम में बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगेगा. एंड वेट एंड वाइल्ड के प्राइमर का प्राइस है 500 रुपीज़ 499 रुपीज़ एंड मैंने उसे ऑफर किया था 250 रुपीज़ का फ्लिपकार्ट से, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी. एंड इस प्राइमर का प्राइस है 225 रुपीज़ एंड ये आई थिंक मुझे 50% ऑफ पे मिला था. सो मैंने इसे 120 ऐसा कुछ 120 समथिंग मिल गया था, एग्जैक्ट प्राइस मुझे याद नहीं है, लेकिन सारे प्रोडक्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा सो आप चेक कर लेना. एंड जो सेकेंड हमारा प्रोडक्ट है वो किया था फाउंडेशन पे. सो मैं आपके साथ सिर्फ अभी एक ही फाउंडेशन शेयर कर रही हूँ अंडर 500 रुपीज़ में, जो बेस्ट है फिटिंग फाउंडेशन एंड ये सारी स्किन टाइप्स के हिसाब से फिट हो जाता है इजीली. इससे इसका नेम भी फिट मी है. इसमें बहुत सारी शेड रेंज है इंडियन गर्ल्स के अकॉर्डिंग, क्योंकि हमारे कलर कॉम्प्लेक्शन बहुत डिफरेंट होता है. मैं भी फेयर में आती हूँ, सॉरी मीडियम टू फेयर में आती हूँ एंड अगली बंदी भी मीडियम टू फेयर में आती है, बट फिर भी हमारा टेक्स्चर है वो डिफरेंट होगा. उसका पिंक अंडरटोन में, मेरा येलो अंडरटोन में, सो उस टाइप से सारे शेड मिलेंगे. शेड आपको अपने अकॉर्डिंग चेक करने हैं ऑनलाइन ऑफलाइन जहाँ से भी लो वो आपके हैं. मैंने नायका से लिया था एंड इसका ओरिजिनल प्राइस है 500 रुपीज़ बट मुझको वहाँ से 325 का मिल गया था, सॉरी 375 का. एंड इसमें मेरा शेड है 230 नेचुरल वन. बहुत ही अमेजिंग फाउंडेशन है ये मैट, इस पर लिखा मैट प्लस पोरलेस बट मैट लिखा है, लेकिन ये जैसी भी आपकी स्किन टोन होगा, स्किन का टेक्सचर होगा, उस अकॉर्डिंग ये चेंज हो जाती है. अगर आपकी स्किन ड्राई होगी तो भी ये आपकी, बस थोड़ा मॉइस्चराइजर लगाना पड़ेगा थोड़ा सा ज़्यादा, ईजी आ जाएगा. एंड अगर ऑयली है तो आपकी ऑयल को कंट्रोल करिए, हर स्किन के अकॉर्डिंग ये फिक्स हो जाता है. इसलिए मेरा फेवरेट फाउंडेशन है गाइस, डेफिनेटली ट्राई करना इसको. एंड गाइस अगर आप मेकअप किट अंडर 100 रुपीज़ देखना चाहते हो, 100-200 रुपीज़, तो भी कमेंट करना, आप शेयर करूँगी. सो हमारा नेक्स्ट प्रोडक्ट है वो है कॉम्पैक्ट. सो कॉम्पैक्ट के लिए हेयर आई हैव टू ऑप्शंस एंड पहला है मेरे पास लैक्मे का सूट परफेक्ट रेडियंस एंड दूसरा है L18. सो ये बहुत ही लाइक सिर्फ आपके फेस को मैट बनाता है, कोई भी कवरेज वगैरह नहीं देता है. सो ये मुझे उतना कुछ खास नहीं लगा. अगर आपको कवरेज नहीं चाहिए, डेली में से आप कॉम्पैक्ट लगाना चाहते हो जिससे कि स्वेटनेस को कंट्रोल करने के लिए, सो आप ट्राई आउट दिस. बट जो बेस्ट ऑप्शन है वो मेबेलिन का सुपर वाइट कॉम्पैक्ट, वो आप डेफिनेटली ट्राई करना. बहुत ही अच्छा कॉम्पैक्ट है, काफ़ी अच्छा कवरेज देता है, वो काफ़ी अच्छा कवरेज देता है आपके फेस को एंड आपके फेस को मैटिफाइन भी करता है. एंड नेक्स्ट अगर आप लूज पाउडर पे को सोच रहे हो लेने का, तो मैं आपसे शेयर करूँगी कि आप वेट एंड वाइल्ड का लूज पाउडर ट्राई करें, बहुत ही ज़्यादा अच्छा है एंड रियली बहुत अच्छा वर्क करता है. मैंने ट्राई किया वो प्रोडक्ट, अभी मेरे पास नहीं है अवेलेबल सो मैं आपके साथ शेयर नहीं कर पा रही, बट मैं आपको डिटेल सब प्रोडक्ट की देती जाऊँगी. नेक्स्ट हम आते हैं कंसीलर पे. सो कंसीलर के लिए मेरे पास यहाँ पे एक ऑप्शन जो है वेट एंड वाइल्ड का एंड इसका प्राइस है मे बी 400-500 रुपीज़.
399 rupees अंडर 500 rupees। सो ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा कंसीलर है, इसमें आपको शेड रेंज अच्छी मिल जाती है और ये काफ़ी थिक है, कंडेंसी है जो इसकी थिक है, सो बहुत ही ज़्यादा अच्छा कवरेज देता है आपके फेस को। एंड मैंने इसको लिया था अगेन 50% ऑफ फ्लिपकार्ट से, सो मुझे 250 rupees का या नो 200 rupees का मिल गया था मुझको। एंड इसमें मेरा शेड है वो है लाइट मीडियम बेज और मोइन लिखा हुआ है इस पर, ये मेरे शेड का नेम है। तो इसमें भी शेड आपको मिल जाएंगे, जो भी आपका शेड हो आप ट्राई कर लेना, काफ़ी अच्छा कंसीलर है, बहुत ही आपके कलर करेक्टर एज अ कलर करेक्टर एंड कंसीलर दोनों वर्क करता है। नेक्स्ट प्रोडक्ट है मेरे पास, लिप बाम शेयर करूँगी। सो मेरे पास लिप बाम के लिए यहाँ पे दो ऑप्शन, फर्स्ट है निविया का स्ट्रॉबेरी शाइन, इसमें काफ़ी सारे फ्लेवर्स कलर आते हैं, वो आप अपने अकॉर्डिंग ले लेना। इसका प्राइस कुछ इस पर मैंशन तो नहीं है, आई थिंक 150 rupees समथिंग कुछ इसका प्राइस होता है। एंड अगेन इसका भी 140-150 rupees प्राइस है। दोनों लिप बाम बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं, अभी मैंने जस्ट यू कैन सी मैं लिप बाम अप्लाई किया, वो ये वाला लिप बाम मैंने अप्लाई किया, काफ़ी अच्छा टिंट है इसमें, एकदम प्लेन नहीं है, ट्रांसपेरेंट नहीं है, इसके अंदर टिंट आता है काफ़ी अच्छा है, यू कैन सी रेड कलर, काफ़ी रेडिश या रेड कलर है, ये पिंक नहीं है, स्ट्रॉबेरी रेड कलर ऐसे कैप का है, बहुत ही अच्छी स्मेल है, प्राइस वगैरह बहुत अच्छे हैं। मैंने नायका से लिए थे अगेन दोनों, ये भी बहुत ज़्यादा अच्छा लिप बाम है गाइस, मुझे मेबलिन के लिप बाम उतने कुछ खास पसंद नहीं है, सो मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगी, मुझे वाले लिप बाम बहुत ज़्यादा अच्छे लगे दोनों ही। नेक्स्ट आते हैं कलर करेक्टर पे, अगर आपकी स्किन इवन नहीं है, आपको डार्क सर्कल्स हैं, ब्लैक स्पॉट्स हैं एंड रेड स्पॉट्स हैं आपकी फेस पे, तो आप उनको हाइड कर सकते हो कलर करेक्टर की हेल्प से, जिसके आपको जो भी फाउंडेशन लगा बहुत ही स्मूथ लगेगा, आपके जो भी डार्क स्पॉट्स हैं वो कलर करेक्टर की वजह से हाइड हो जाएंगे एंड आपका फेस बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगेगा। उसके लिए मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल आया आइटम, जो कि है NYB का ऑरेंज कलर करेक्टर। मेरे पास सिर्फ ऑरेंज है बिकॉज मुझे बस थोड़ा सा अंडर आइज में डार्क है, अब देख सकते हो मैंने कोई भी मेकअप अभी नहीं किया हुआ है, जस्ट फिर भी आपको देख रहे हो नहीं दिख रहा है, तो ऐसा कुछ डार्क नहीं है, सो जस्ट मैंने यही वाला मेरे पास है ऑरेंज कलर करेक्टर। एंड इसमें आई थिंक ये मैंने आपको ऑफर पे 70-80 rupees में मिल जाता है, वो ऑफ़र आपको चेक करना है, purple.com पे मिलेंगे NYB के प्रोडक्ट आपको। एंड आप एले गर्ल का कलर करेक्टर भी ट्राई कर सकते हो, मैंने भी उनको देखा था अमेजोन पे, आई थिंक लिंक आपको मैं दे दूंगी डिस्क्रिप्शन में, वो 400 rupees में 3 कलर करेक्टर मिल रहे थे, ग्रीन येलो एंड ऑरेंज, जो कि बहुत ही अफोर्डेबल डील थी। कलर करेक्टर उसका एले गर्ल का आई थिंक 500 rupees का एक आता है, तो डील में आपको मिल जाते हैं प्रोडक्ट, मैंने बहुत सारे प्रोडक्ट यहाँ पे अभी अगर शेयर करूँ जो बहुत ही ज़्यादा अच्छी डील्स में लिए हुए हैं। तो नेक्स्ट हम आते हैं हमारा कॉन्ट्रो पे, से कॉन्ट्रो के लिए मेरे यहाँ पे पास दो ऑप्शन है, कॉन्ट्रो काफ़ी लोग लगाना पसंद नहीं करते हैं डेली बेसिस पर, मैं भी नहीं लगाती हूँ, बट कभी फंक्शन में जाती हूँ तो जैसे मैं ट्राई करती हूँ। सो आपके जो है वेट एंड वाइल्ड का मेगा ग्लो कॉन्ट्रो पैलेट एंड इसमें मेरा शेड है कैरमल कॉफ़ी, यहाँ पे इसका शेड मेंशन है, इसका प्राइस है समथिंग या 499 rupees, 500 rupees का आता है। एंड मैंने अगेन इसको 50% ऑफ में 250 rupees का लिया था फ्लिपकार्ट से, काफ़ी अच्छा है, बहुत ही थोड़ा पाउडरी है, ज़्यादा है थोड़ा, बट फिर भी अच्छा लगता है मुझे। आई शो यू द पिगमेंट, पिगमेंटेड है बट यहाँ कैमरा पिक नहीं कर रहा है, काफ़ी पिगमेंटेड, आई होप यू सी, काफ़ी पिगमेंटेड है ये एंड बहुत ही क्रीमी है। तो फर्स्ट ये वाला पैलेट है, इसमें आपको एक कॉम्पैक्ट भी मिल जाता है, सो आपको अलग अलग नहीं लेना पड़ेगा, 500-250 rupees में आपको दोनों चीज़ें मिल जाएंगी, कॉम्पैक्ट अगर नहीं लेना है तो आप मत लीजिए, ये भी काफ़ी अच्छा है, ये थोड़ा येलो टोन में है, सो थोड़ा बनाना पाउडर टाइप का टेक्स्चर इसका अच्छा लगता है मुझे वो भी। नेक्स्ट मेरे पास काफ़ी अफोर्डेबल ऑप्शन है, वो कि है NYB का अगेन कॉन्ट्रो स्टिक, ये डार्क है, ये थोड़ा सा आई थिंक मेरे स्किन टोन के हिसाब से डार्क है एंड इसमें मेरा शेड इंटरेस्ट में नहीं दिख रहा है, आई थिंक मैं आपको स्किन पे दे दूंगी, अगेन वही 70-80 rupees में आपको मिल जाता है purple.com पे। तो इसमें बहुत सारे कलर्स आते हैं NYB के कलर करेक्टर में, सो आप डेफिनेटली इनको ट्राई कर सकते हो, बहुत ही अफोर्डेबल है, आपके सारे कलर करेक्टर 200-250 rupees में आ जाएंगे आपको, अगर रेडनेस और ब्लैकनेस और कुछ भी है तो उसके लिए काफ़ी अफोर्डेबल ऑप्शन है ये वाला।
ब्लश पे आते हैं नेक्स्ट हम अपने। सो ब्लश के लिए मेरे पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है जो कि है वेट एंड वाइल्ड का कलर आइकॉन ब्लश, एंड इसमें मेरा शेड है मेलो वाइन। बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग कलर है ये, एंड ये प्योर मैट है। इसमें और शेड आते हैं जिनमें थोड़ा शिमर होता है, वो ट्राई कर सकते हो। मुझे ये बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, बहुत ही ज़्यादा पिगमेंटेड है, बहुत ज़्यादा पिगमेंट है, बहुत ज़्यादा। आपको संभाल के इसको यूज़ करना है, इतना ज़्यादा पिगमेंटेड है। सारी स्किन टोन पे जाएगा, डस्की स्किन टोन पे भी जाएगा, बट डस्की से थोड़ा डार्क हो जाएगा तो उस पर नहीं जाएगा। डस्की टू फेयर एंड मीडियम स्किन टोन पे सब बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगने वाला है। मुझे ये पर्सनली बहुत पसंद है, तो मैंने सिर्फ एक ही ऑप्शन रखा। आप इस सॉरी ब्लश को बिना सोचे समझे ले सकते हो, ये बहुत ही अमेजिंग है, आप कभी भी इसको रिग्रेट नहीं करोगे। एंड आप इनमें से कोई भी प्रोडक्ट अगर लेते हो मुझे सजेशन पे, तो मुझे इंस्टा पे टैग करना बिल्कुल मत भूलना, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये भी मैंने अगेन फ्लिपकार्ट से लिया था 50% ऑफ पे। फ्लिपकार्ट बहुत अच्छी डील्स चलती हैं, ऑफर के टाइम आप लेना ये प्रोडक्ट, आपको बहुत अच्छी डील्स मिल जाएंगी। 50% ऑफ मिलता है वहाँ पे आपको वेट एंड वाइल्ड के प्रोडक्ट पे। एंड आप वेट एंड वाइल्ड का मैंने ऑप्शन फाउंडेशन भी ट्राई कर सकते हो, वो भी बहुत ज़्यादा अच्छा है, एंड 250 rupees का मिल जाएगा क्योंकि इसका रियल प्राइस 500 rupees है इसलिए। सो नेक्स्ट हम आते हैं हमारे आई शेडोज पे। सो आई शेडोज के लिए मैंने यहाँ पे दो ऑप्शन रखे हुए हैं। सो फर्स्ट है जैकलिन हिल्स का आई शेडो पैलेट, ये ड्यूप है, मैंने फ्लिपकार्ट से लिया हुआ था गाइस, एंड आई थिंक मैंने 400 or 425 ऐसे कुछ लिया हुआ था, बट अब इसका प्राइस और भी लो है, 300 or 325 का मिल जाता है। ये पैलेट अमेजिंग गाइस, आपको कोई भी ब्रांड का आई शेडो लेने की जरूरत नहीं है, इतना अमेजिंग आई शेडो पैलेट है। पिगमेंट्स वगैरह इसकी बहुत ज़्यादा अच्छी हैं, यहाँ पे आपको मिरर नहीं मिलता है जो कि ओके है, इस प्राइस में आप मिरर एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो। यहाँ पे आप कलर देख सकते हो, इसमें आप सारे कलर मिलेंगे, ग्रीन और ये शिमरी ग्रीन है, ये भी ग्रीन है, एंड ये भी ग्रीन है। ग्रीन की 4 shades, ब्राउन, रेड, गोल्डन, सिल्वर, ब्रॉन्जी, रेड, पिंक, पर्पल, सारे शेड मिल जाते हैं, ब्लैक, ब्राउन, सारे शेड मिलते हैं आपको। इस पैलेट को आप एज आ आई शेडो एंड एज अ कॉन्ट्रू ये शेड यूज़ कर सकते हो, एंड एज अ ब्लश रेड शेड यूज़ कर सकते हो। तो बहुत सारे टाइप से आप इस पैलेट को यूज़ कर सकते हो, बहुत ही मल्टीपर्पज काइंड ऑफ पैलेट है ये वाला। एंड ये इसमें जो लाइट शेड है आप इसको एज अ आई बेस पे यूज़ कर सकते हो। मुझे ये पैलेट बहुत अच्छा लगता है, मेरा मोस्ट फेवरेट पैलेट है, मैं आपको हाईली रिकमेंड करूँगी इस पैलेट के लिए। नेक्स्ट जो ऑप्शन है वो है वेट एंड वाइल्ड का आई शेडो पैलेट रोज इन द ईयर। सो ये मैं दिखा देती हूँ आपको, ये कुछ इस टाइप से आता है, प्लास्टिक में है, वो वाला आपको कार्डबोर्ड में मिलता है, एंड ये वाला प्लास्टिक में मिलता है, तो एनवायरनमेंट फ्रेंडली नहीं है फर्स्ट थिंग। सेकंड हम आते हैं इस पे शेड्स, आप देख सकते हो ऑरेंज एंड डार्केस्ट ऑरेंज ब्राउनिश काइंड ऑफ पर्पल, ये वाला शेड जो इसमें है मेन वो ज़्यादा पिगमेंटेड नहीं है, फिंगर पे आ रहा है, बट फिंगर पे आप देख सकते हो बहुत पिगमेंटेड दिख रहा है, बट जब आइस पे आप इसे ब्लेंड आउट करते हो, अभी आप देख सकते हो लाइट हो गया, ब्लेंड आउट करते हो करते हो तो ये हट जाता है, उतना ज़्यादा पिगमेंट नहीं है, बट बाकी और शेड है वो बहुत ज़्यादा पिगमेंटेड है। एंड मैंने अगेन इसको 50% ऑफ पे लिया था फ्लिपकार्ट से, इसमें और भी शेड्स आते हैं, एंड इसका छोटा पैलेट आता है वो आई थिंक 150 का मिल जाता है आपको ऑफर पे, उसका रियल प्राइस 300 rupees है, तो आप वो ट्राई कर सकते हो। ये मुझे काफ़ी अच्छा लगता है, इसको ट्राई कर लेना, बिकॉज में आपको अगेन कॉन्ट्रो मिल जाता है, आप ब्राउन शेड को ऐसा कॉन्ट्रो यूज़ कर सकते हो, ऑरेंज रेड शेड को ऐसा ब्लश यूज़ कर सकते हो, और इसमें शिमरी एक शिमरी शेड भी है, आई होप यू सी, एक शिमरी शेड भी है इसमें। सो ये पैलेट भी आप ट्राई कर सकते हो। नेक्स्ट प्रोडक्ट है काजल। सो काजल के लिए यहाँ पे मेरे पास 4 options हैं, आप देख सकते हो। ये वाला है फेसेस कैनेडा का काजल, जो कि मेरी आइज पे बहुत लॉन्ग लास्टिंग नहीं रहा गाइस, बट इसके रिव्यूज़ बहुत ज़्यादा अच्छे देखे मैंने, उसी पे मैंने लिया था। सो मे बी मेरी आइज ज़्यादा वॉटरी हो इस वजह से ना हो आता हो मेरी आइज पे, एंड मैंने अगेन 150 or 180 कुछ ऐसा ही लिया था, नायका से लिया था मैंने इसको। सो अच्छा ऑप्शन है अगर आपको आइज वॉटरी नहीं हो बहुत ज़्यादा, तो आप इसको ट्राई कर सकते हो। एंड जेट ब्लैक है वो, मैंने उसके इन सारे प्रोडक्ट्स पे फुल रिव्यू दिया है मैक्सिमम प्रोडक्ट्स पे, तो आप चेक कर लेना। एंड नेक्स्ट प्रोडक्ट है वो एनमाबे का बिगर एप्पल ऑफ माय आईज, ये काजल तो गाइस बहुत ही ज़्यादा अच्छा है गाइस, बहुत ज़्यादा अच्छा, देख सकते हो वन स्वाइप में बहुत ज़्यादा ब्लैक है, पिगमेंटेड है, स्मच प्रूफ है, लॉन्ग लास्टिंग है, वाटर प्रूफ है। सो मैं आप डेफिनेटली इसको ट्राई कर सकते, एंड ओनली 70 rupees का
अब मिल जाता है आपको, अभी तो purple.com में 50 rupees का मिल रहा था, सो आप इस ऑप्शन को डेफिनेट ट्राई कर सकते हो। नेक्स्ट है मेरे पास स्टे कॉकी का काजल, इस पर जो लिखा था वो निकल गया। ये भी अगेन गाइस बहुत अच्छा है, लॉन्ग लास्टिंग, वाटर प्रूफ, स्मच प्रूफ, कहीं भी नहीं जाता, आप ऐसे रब भी कर लो तो भी हटता नहीं है काजल। बस तो आपको थोड़ा सेटल होने के लिए टाइम देना होता है, सारे काजल्स के लिए टाइम देना है, 1 मिनट तक आपको देना है। एक बार ये सेटल हो जाएंगे उसके बाद कहीं भी नहीं जाते हैं। एंड अगर आप स्मोकी आइस पसंद करते हो करना तो उसके लिए भी बेस्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट है मेरे पास नेक्स्ट काजल में, वो है ब्लू हेवन का सॉफ्ट आई लाइनर। ये भी अगेन स्मच प्रूफ, वाटर प्रूफ है, इसमें ग्रीन भी आता है एंड ब्लैक भी आता है। सो मैंने ब्लू ट्राई किया था, सीधा पिगमेंट एंड बहुत ही ब्यूटीफुल ब्लू कलर है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। टी शी ब्लू टाइप बोल सकते हैं, बहुत अच्छा ब्लू कलर है ये। नेक्स्ट है मेरे पास मस्कारा। सो मस्कारे के लिए मैं आपके शेयर करूँगी मेवलिन का हाइपर कर्ल वॉल्यूम मस्कारा। एंड ये वाटर प्रूफ मैंने लिया था इसको 240 का नायका से। एंड इसमें ये वाटर प्रूफ है, नॉन वाटर प्रूफ भी आता है। एंड मेवलिन के मस्कारा बेस्ट होते हैं गाइस, बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस है, 500 के अंदर आपको बहुत ही अच्छे मस्कारा मिल जाएंगे मेवलिन के। मैं और कोई मस्कारा आपको रिकमेंड नहीं करूँगी, सिर्फ मेवलिन की करूँगी, कोई भी ट्राई कर सकती हूँ उनका। वो आपको बहुत अच्छी लेंथ देते हैं, वॉल्यूम देते हैं एंड आपको फेक लेसेस लगाने की जरूरत नहीं रहती। अगर आप पसंद नहीं करते हो फेक लेसेस लगाना लाइक मेरी तरह, मुझे फेक लेसेस लगाना पसंद नहीं है, तो ये वाला मस्कारा बहुत अच्छा है एंड बहुत लॉन्ग लास्टिंग है, वेडिंग के लिए बहुत अच्छा रहेगा, बहुत ही लॉन्ग रहेगा। नेक्स्ट है हमारे आई लाइनर। सो आई लाइनर के लिए मेरे पास दो ऑप्शन है, स्टे कॉकी एंड हैंड बाय वे। ये वाला मेरा मोस्ट फेवरेट आई लाइनर है, मैंने अभी तक बहुत सारे आई लाइनर ट्राई किए बट ये वाला आई लाइनर बहुत अच्छा है गाइस। तो वाटर प्रूफ है, लॉन्ग लास्टिंग है, स्मच प्रूफ है एंड बहुत ही अच्छी कलर्स आते हैं इसमें, बहुत सारे कलर्स आते हैं, तो आप जो भी कलर का आप लेना चाहो डेफिनेटली आप ले सकते हो, बहुत सारे कलर्स मिल जाएंगे एंड 120 के अराउंड आपको मिल जाता है हमेशा ऑफर पे। नेक्स्ट है मेरे पास एनवाईवी का, जो कि मैंने लिया था आई थिंक 100 rupees का। अगेन ये भी बहुत अच्छा है, ये स्मच प्रूफ नहीं है एंड वाटर प्रूफ भी नहीं है, बट अगर आप ऐसे ही नॉर्मली वाटर डालते हो आइस पे, रफ नहीं करते हो तो ये नहीं निकलता है, ना ये बहता है, कुछ भी नहीं होगा। तो अगर आप रफ करोगे तभी निकलेगा। एंड ये वाला तो वाटर प्रूफ है, आपको वाटर वेस्ट सॉरी ऑयल वेस्ट मेकअप रिमूवर से ही रिमूव करने होंगे। एंड मस्कारा भी आपको ऑयल वेस्ट मेकअप रिमूवर से ही रिमूव करने होंगे तभी वो निकलेंगे। सो अभी हमने मेकअप के सारे प्रोडक्ट देख लिए, अब आते हैं मेकअप के एसेसरीज पे जो आपको डेफिनेटली लेना चाहिए। सो फर्स्ट है मेकअप ब्रश जो कि है जेनरिक के, एंड मैंने लिए थे अमेजोन से 240 के एंड अभी 200 rupees में मिल रहे हैं वाले ब्रशेज। तो आप डेफिनेटली सॉरी ट्राई करना गाइस, इसमें आपको मिलते हैं टोटल 10 ब्रशेज जो कि बहुत ही ज़्यादा सफिशियंट है। आई थिंक मैं यूट्यूबर हूँ और डेली यूज़ करती हूँ तो मुझे ये ब्रशेज अच्छे लगे एंड मैं आई थिंक मोर देन 1 ईयर से यूज़ कर रही हूँ। बहुत अच्छी क्वालिटी है इनकी, बहुत ही सॉफ्ट है, देख सकते हो। आपको आई ब्रशेज मिलते हैं 5, एक नीचे कर गया एंड 5 फेस ब्रश, बहुत अच्छी क्वालिटी गाइस, डेफिनेटली ट्राई करना। 200 rupees में आपको ऐसे ब्रश कहीं भी नहीं मिलेंगे, बहुत सॉफ्ट है एंड बहुत फ्लॉपी है, आप इनको आराम से वॉश कर सकते हो चाहे जैसे, कहीं भी कुछ भी नहीं होता है इनमें, बहुत अच्छे ब्रश लगे मुझे। नेक्स्ट में आपको ऑप्शन है मेरे पास ये दीज ब्रशेस ले स्टार मेकर के आई ब्रशेज। अगर आपको मेकअप करना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है एंड आप आई मेकअप देख रहे हो जो कि सिर्फ आई मेकअप का सेट मिले, जैसे मैंने सिर्फ आई मेकअप का सेट लिया हुआ है एंड 410 rupees का लिया है मैंने इसके अमेजोन से, बहुत ही ज़्यादा अच्छे ब्रश हैं गाइस। इसमें मैं इसका फुल रिव्यू आपके साथ बहुत जल्दी शेयर करने वाली हूँ, सो आप देख लेना। इसमें बहुत सारे आपको आई थिंक 7 आपको इसमें आई शेडो ब्लेंडिंग ब्रश मिलते हैं, एक ट्राइंगुलर ब्रश मिलता है आई लाइनर के लिए, कंसीलर ब्रश मिलता है, फ्लॉपी ब्रश मिलते हैं एंड ऑप्शन है मेरे पास जो कि ब्यूटी ब्लेंडर। अगर आप ब्रशेस यूज़ करना पसंद नहीं करते तो आपको लेना चाहिए ये वाला ब्यूटी ब्लेंडर जो कि है ब्लू हेवन का, एंड आई थिंक 100 or 120 rupees का मिल जाएगा आपको अमेजोन, नायका, फ्लिपकार्ट सब जगह मिल जाएगा, तो ईजी अवेलेबल है गाइस, बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल एंड अमेजिंग ब्यूटी ब्लेंडर है। आई थिंक पूना स्टोर से भी बेटर है ये वाला ब्यूटी ब्लेंडर, तो आपको डेफिनेटली ट्राई करना चाहिए, आपको बिल्कुल भी प्रोडक्ट को सोक नहीं करता है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा है एंड लॉन्ग लास्टिंग। ये जो आप देख रहे हो वो आई थिंक वो मेरी गलती से कट गए, बहुत अच्छा सॉरी ब्यूटी ब्लेंडर है। एंड नेक्स्ट प्रोडक्ट है मेरे पास, वो है एक मिरर। आपको इस टाइप का एक मिरर अपनी मेकअप किट में डेफिनेटली रखना चाहिए, बिकॉज अगर आपको मेकअप करना है आई का मेकअप करना है तो आपके पास एक अच्छा मिरर होना चाहिए, क्वालिटी का अच्छा मिरर है ये वाला,
एंड ये देखने में काफ़ी ब्यूटीफुल एंड एक कोम, आपको ये सब, ये वाला कोम बहुत अच्छा है, टी एस ब्यूटी का एक कोम है जो कि मैंने आई थिंक 50% ऑफ पे लिया था नायका से, ओरिजिनल प्राइस का कुछ 175 रुपीज़ का है बट मैंने इसको 75 रुपीज़ में लिया था। बहुत ज़्यादा अच्छा कोम है गाइस, डेफिनेटली एक बार ट्राई करना इसको। एंड इस टाइप के कोम्स जो आप यूज़ करते हो ना उससे आपका हेयर फॉल बहुत कम होता है, आपके हेयर जो है वो टूटते नहीं है। एंड अब हमने कल आपके साथ मैंने शेयर नहीं किया है हाईलाइटर, हाईलाइटर मैं भूल गई थी शेयर करना। सो ये शिवाना का कलर ब्रिक एंड ये बहुत ज़्यादा अच्छा हाईलाइटर है। इसमें मेरा शेड है 02, बहुत सारे शेड्स आते हैं पिंक पिंक टोन पे, ब्राउन टोन पे, सो मैंने ये वाला लिया है। इसमें पिंक एंड ब्राउन दोनों ही शेड्स हैं, यू कैन सी ये वाला पिंक ब्राउन एंड सिल्वर, बहुत ज़्यादा अच्छा गाइस ये पैलेट है, यू कैन सी द शाइनिंग, बहुत ज़्यादा अच्छा है। डेफिनेटली आप उसको ट्राई करना एक बार, मुझे तो पर्सनली ये बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, बहुत अच्छा शाइनिंग देता है एंड इसमें कोई भी चंकी पार्टिकल्स नहीं है जो कि ऑड लगे देखने में, काफ़ी स्मूद एंड पार्टिकल्स हैं इसके जो कि ऐसे हाईलाइट नहीं होते हैं। मेकअप तो हमारा हो चुका है, मेकअप को रिमूव करने के लिए भी आपको कोई प्रोडक्ट चाहिए होगा, सो इसके लिए मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ गार्नियर का मिरेकल वाटर। ये वाटर वेस्ट है, ऑयल इसमें ऑयल रिमूवल भी आता है, वो वाला भी ट्राई कर सकती हो। ये वाला बहुत ज़्यादा अच्छा है एंड इसका प्राइस है 175 रुपीज़। मैंने फ्लिपकार्ट से एक डील में लिया था जिसमें मैंने 4 प्रोडक्ट्स लिए थे ओनली 400 रुपीज़ में, जिसमें मेबलिन का फाउंडेशन था जो कि 299 वाला, मेबलिन की लिपस्टिक एंड दिस एंड एक दिस मेकअप पाउच का जो कि बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है, ओनली 400 रुपीज़ में लिया था। उसका लिंक मैं आपको डेफिनेटली दूंगी डिस्क्रिप्शन में, तो आप उसको चेक करना, बहुत अच्छे डील पे आपको प्रोडक्ट मिलेगा एंड ये बहुत ही अच्छा मिरेकल वाटर है। सो डेफिनेटली आप उसको अपने साथ कैरी करना एंड ये क्लीन करता है, स्मूथ करता है पी स्क्रीन को। ये लास्ट प्रोडक्ट है वो कि आई लैशेज कर्लर, आपको आप लैशेज कर्ल करने के लिए वॉल्यूम देने के लिए। ये मैंने लोकल स्टोर से लिया था 50 or 60 रुपीज़ का, ऐसे लोकल ब्रांड का, लेकिन ये बहुत अच्छा वर्क करता है। मेरे पास ये 2 साल से है आई थिंक एंड ये बहुत अच्छा वर्क करता है, मैंने इसको चेंज भी नहीं किया आई थिंक, तो सकते हो बहुत अच्छा है गाइस। जरूरी नहीं है कि ब्रांडेड प्रोडक्ट ही अच्छे हो, आप लोकल प्रोडक्ट भी कुछ इस टाइप के ट्राई कर सकते हो एक्सेसरीज में। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो गाइस, आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छा लगा एंड आपके लिए हेल्पफुल रहा हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना एंड शेयर कर सकते हो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय।